चीन के पूर्वोत्तर इलाके में पड़ने वाली छागन झील जमकर बर्फ हो गई है। ये दिसंबर की बात है और यहाँ तापमान -26 डिग्री है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये घोड़े बर्फीली झील से मछलियों से भरे जाल खींच रहे हैं। जमी हुई झील से मछलियां पकड़ने का ये तरीका यहाँ सदियों से चला आ रहा है। 11 दिनों के भीतर यहाँ से 450 टन मछलियां निकाली गईं। यहाँ खुले में ही इन मछलियों का बाजार लगता है और हर दिन दसियों हजार मछलियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ पाते वो मछलियां ऑनलाइन खरीदते हैं। ताजे पानी की झील में पलने वाली मछलियों को मछलियों के शौकीन क्यों छोड़ना चाहेंगे? तो देखा आपने कैसे जमी हुई झील से मछलियों को पकड़ा जा रहा है। मछलियों के बिना बहुत से लोगों का काम नहीं चलता। दुनिया भर में लगभग 3 अरब लोगों के लिए मछलियां और समुद्र में पलने वाले जीव प्रोटीन का बुनियादी स्रोत हैं। ये कहना है विश्व वन्य कोष का, यानी WWF का। इंसान हजारों साल से मछलियां पकड़ते और खाते रहे हैं। अब तो अच्छे पोषण के लिए डॉक्टर भी हफ्ते में 2 बार मछलियां खाने की सलाह देते हैं। लेकिन बीते कुछ दशकों में हमने इतनी मछलियां पकड़ी हैं कि महासागर खाली होने लगे हैं। इसी को ओवर फिशिंग कहते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि 2018 में दुनिया भर में मछलियों का कुल उत्पादन 17.9 करोड़ टन रहा। इनमें से 8.2 करोड़ टन मछलियां एक्वाकल्चर यानी फिश फार्मों में पैदा की गईं, जबकि बाकी महासागरों, नदियों और झीलों से पकड़ी गईं। समंदर से पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा साल दर साल बढ़ती जा रही है। 1950 में जहां 2 करोड़ टन मछली और समुद्री जीव पकड़े जाते थे, वहीं 1990 में यह आंकड़ा बढ़कर 8 करोड़ टन हो गया। फिलहाल ये 9 से 10 करोड़ टन के बीच है। मछलियां पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, महासागरों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन समस्या ये है कि हम इतनी मछलियां भी समंदर में नहीं छोड़ रहे हैं कि वो प्रजनन करके अपनी संख्या को एक निश्चित स्तर पर बनाए रख पाए। यही नहीं, मछलियां पकड़ने वाले जाल कई बार इतने बारीक होते हैं कि उनमें छोटी छोटी मछलियां भी फंस जाती हैं, यानी प्रजनन की उम्र तक पहुंचने से पहले ही वो मारी जाती हैं। इसके अलावा कई ऐसे जीव भी जालों में फंस रहे हैं जिनकी मछुआरों को जरूरत नहीं होती, जैसे कि कछुए और दूसरी मछलियां। इसे बायो कैच कहते हैं। हर साल औसतन 3 करोड़ टन मछलियां अंत में बायो कैच की श्रेणी में आती हैं। गैर कानूनी फिशिंग भी एक बड़ी समस्या है, यानी उससे कहीं ज्यादा मछलियां पकड़ी जा रही हैं जितनी कोटे के तहत निर्धारित हैं। दुनिया भर में मछलियों का बाजार सैकड़ों अरब डॉलर का है और इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अलग अलग देशों के बीच खींचतान बिल्कुल मछली बाजार जैसी है। सरकारें अपनी फिशिंग कंपनियों को खूब सब्सिडी देती हैं और कंपनियों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां पकड़ने पर और मुनाफा कमाने पर होता है। यही समस्या की जड़ है और इसी से ओवर फिशिंग होती है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO 20 साल से कोशिश कर रहा है कि फिशिंग कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगे, लेकिन अभी तक विभिन्न देशों के बीच इस बारे में सहमति नहीं बनी है। फिशिंग के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी चीन देता है, उसके बाद इस सूची में यूरोपीय संघ, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का नाम आता है। चीन अतीत में इस बात का विरोध करता रहा है कि उसके फिशिंग जहाजों को रोका जाए। सब्सिडी पर रोक लगाने का दारोमदार बहुत हद तक चीन पर ही है। चीन का कहना है कि वो इस बारे में जारी कोशिशों का हिस्सा बना रहेगा। यूरोपीय देशों के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी सब्सिडी पर रोक के हक में हैं। कुल मिलाकर मामला अभी तक कूटनीति में फंसा है, लेकिन तुरंत कदम उठाने होंगे। सवाल यहाँ महासागरों में मौजूद मछलियों को ओवर फिशिंग से बचाने का है।
ओवर फिशिंग की वजह से न सिर्फ महासागरों का इकोसिस्टम तहस नहस हो रहा है, बल्कि इसकी वजह से एक दिन करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट भी पैदा हो सकता है। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जा सकती है। इसलिए एक ऐसे सस्टेनेबल तरीके की ज़रूरत है जिससे मछली खाने वालों की थाली भी भरी रहे और मछलियों से महासागर भी। ओवर फिशिंग पर सरकारों के बीच होने वाली खींचतान से परे आप अपने स्तर पर कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीज़न में कौन सी मछली खानी है और कौन सी नहीं। इस बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर देखें हमारा एक वीडियो, जिसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।